मैं डॉक्टर रंजन, मैं एक गायनकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। और आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड यूट्रस यानी रसौली की। ये है क्या? ये बच्चेदानी की गांठें होती हैं, नॉन कैंसरस होती हैं और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी 30 से 45 साल की उम्र की महिलाओं में ये ज़्यादातर देखा गया है। इनकी बात करें तो लगभग 70 से 75% 3/4 लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि इसकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं होते, मतलब इनकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती। इनफैक्ट हमने कुछ और चीज़ों के लिए अल्ट्रासाउंड कराया और फिर हमें ये पता चलता है कि अच्छा इनमें तो फाइब्रॉइड्स है। अब जिनमें सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं? इनकी वजह से पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, इररेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर पीरियड्स में दर्द ज़्यादा हो सकता है, इनफर्टिलिटी की परेशानी हो सकती है यानी बच्चे कंसीव करने में परेशानी हो सकती है, या रिकरेंट मिसकैरेज यानी बार बार बच्चे खराब हो सकते हैं, या प्रेशर सिम्टम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या यूरिन करने में परेशानी हो सकती है। अब अगर हम एक बच्चेदानी को इमेजिन करें तो फाइब्रॉइड्स या तो इनके बाहरी सतह पर हो सकते हैं या मायोमेट्रियम के अंदर हो सकते हैं या तो बिल्कुल अंदर कैविटी की तरफ हो सकते हैं। तो यह देखा गया है कि जो फाइब्रॉइड्स बिल्कुल अंदर की तरफ कैविटी की तरफ होते हैं उनकी वजह से परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर फाइब्रॉइड्स की बात कर रहे हैं तो डायग्नोज कैसे करेंगे फाइब्रॉइड्स? जिन लोगों को ये परेशानियाँ होने तो उनमें डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? तो अल्ट्रासाउंड की मदद से फाइब्रॉइड्स की डायग्नोसिस बनाई जा सकती है, उनके लोकेशन, उनका नंबर, उनके टाइप्स सब कुछ पता किया जा सकता है। अब हमने डायग्नोसिस कर लिया तो अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 70 से 75% फाइब्रॉइड्स एसिम्टोमेटिक होते हैं कि उनकी वजह से कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ये जानना ज़रूरी है कि किन फाइब्रॉइड्स को हमें ट्रीट करना है। तो अगर फाइब्रॉइड्स 6 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बड़े हैं या फिर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या वो महिलाएँ पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स जिनमें कि पीरियड्स बंद हो गए उनमें ये फाइब्रॉइड्स अगर बढ़ रहे हैं, या फिर फाइब्रॉइड्स की वजह से कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है इतनी कि कभी कभी तो अनीमिया हो जाता है, या पीरियड्स में पेन ज़्यादा हो रहा है, या इनफर्टिलिटी है, या फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, प्री टर्म लेबर हो रहा है, तो इन केसेस में हमें फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करना ज़रूरी है। अब अगर ट्रीटमेंट में हमारे पास कई बार मरीज आते हैं ये पूछते हैं कि भाई दवाइयों से ये फाइब्रॉइड्स ठीक नहीं हो सकते, तो नहीं, दवाइयों से ये फाइब्रॉइड्स ठीक नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ, इनके सिम्टम्स कम हो सकते हैं, इनका साइज़ टेम्परेली कम हो सकता है, हम इनफैक्ट जिनमें टाइम बाय करना है, अगर सर्जरी हम अभी नहीं करना, सर्जरी पोस्टपोन करना है, या फिर अनीमिक पेशेंट्स हैं, खून की कमी है, उनमें खून बढ़ाना है, तो उन केसेस में हम मेडिकल मैनेजमेंट ज़रूर देते हैं, पर ये फाइब्रॉइड्स को ठीक नहीं करते, ख़त्म नहीं करते, उनके लिए ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है, सर्जरी ज़रूरी है। तो इसमें या तो हम सिर्फ रसौली को निकाल सकते हैं जिसे मायोमेक्टमी कहते हैं, या तो पूरी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन कर सकते हैं जिसे हम हिस्टरेक्टमी कहते हैं। अब मायोमेक्टमी सिर्फ रसौली निकालने का ऑपरेशन हम किन में सलाह देते हैं? अगर जैसे जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, जिनको और बच्चे करने हैं, या जो पेशेंट्स हमारे पास इनफर्टिलिटी के लिए ही आए हैं उनमें अगर फाइब्रॉइड्स हैं या रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं उनमें ये फाइब्रॉइड्स हैं, तो उनमें हम मायोमेक्टमी एडवाइस करते हैं, मतलब हम सिर्फ रसौली निकालने का ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिकली किया जा सकता है या फिर ओपन सर्जरी यानी पेट खोल कर किया जा सकता है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, खैर, कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑलवेज बेटर होता है ओपन सर्जरी से, क्योंकि इसमें रिकवरी टाइम कम होती है, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, ब्लीडिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन कम होता है, पेन कम होता है पोस्ट ऑपरेटिव, जल्दी हील कर जाते हैं लोग। इनफैक्ट ओपन सर्जरी में 2-3 हफ्ते लग जाते हैं लोगों को ढंग से उठकर चलना फिर चलने फिरने में, वहीं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सेकेंड डे ही पेशेंट उठकर चलना फिरना शुरू कर देता है। अब दूसरा, जैसे दूसरी सर्जरी की हमने बात करी हिस्टरेक्टमी, जिसमें कि पूरी बच्चेदानी हम बाहर निकालते हैं, तो अगर जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है, जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी परेशानियाँ हैं, तो उनमें हम फिर बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं, दैट इज हिस्टरेक्टमी। ये ऑपरेशन भी वही जैसे हमने पहले बात किया कि लैप्रोस्कोपिकली किया जा सकता है या फिर पेट खोल कर किया जा सकता है। इसमें भी अगेन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा प्रेफर्ड है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी, क्योंकि हमने जो एडवांटेजेस उनके पहले भी डिस्कस किए हैं।
एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे इस टॉक शो का मतलब डॉक्टर्स बनाना नहीं है, हमारे इस टॉक शो का एम है कि हम आपको एक बेसिक जानकारी दे सके, ताकि अगर आप ये परेशानी है आपको तो आप एक सही डिसीजन लेने में आपको एक हेल्प मिल सके। अब अगर मैं एक टेक होम मैसेज देना चाहूँ अपने पेशेंट्स को, तो अगर आपको फाइब्रॉइड्स की परेशानी है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने गायनकोलॉजिस्ट से मिलिए और उनके साथ मिल करके एक सही डिसीजन लीजिए कि आपको किस ट्रीटमेंट के लिए जाना है, क्या करना है, उनके टाइमली और सही डिसीजन लीजिए। थैंक यू।